क्या समझा है सर आपने हमको? क्या ऐसे ऐसे सवाल भी हम नहीं कर सकते? आपने बोर्ड में लिखा है जो सवाल, वो तो हम बहुत बार देख चुके हैं, मीम्स में देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत पिक्स आते हैं, और हम चुटकियों में इसका आंसर बता देते हैं। बताएं क्या सर? बताएं अभी, चलो हम बता देते हैं। आप मत बताओ, आप सिखाओ ही मत सर हमको, हम डायरेक्टली बता देते हैं, वो भी मैक्सिमम सर 5 सेकंड के अंदर। और इतना आसान सवाल थोड़ा डिफिकल्ट लो लिख देते सर। बताओ बताओ बच्चों बताओ, अरे अगर आता है तो बहुत बड़ी बात है, बताओ कैसे। सर क्या करने हैं यहाँ पर, क्या किया है हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले तो लाइन ये छोड़ दो, 1 + 4 = 5, ठीक है, वो छोड़ दो सर। बाद में उन्होंने क्या किया है सर, 2 + 5 कितना होता है 7, लेकिन इधर क्या लिखा है, 12 लिखा है सर। तो सर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 2 + 5, और ये जो है सर ये पिछला नंबर इसमें प्लस किया है, 7 + 5 = 12, आ गया ना सर, बात खत्म। यहाँ पे भी इन्होंने फिर से क्या किया है सर, ये दोनों को ऐड किया, फिर देखो ना सर इसमें भी हो रहा है कि नहीं, प्लस इसमें भी ऐड कर दो, ये तीनों को ऐड कर दो कितना होता है, पहले 9 हो गया, 9 + 12 सर 21, आ गया ना सर। फिर हम क्या करेंगे सर, अगर 2 में हो गया तो तीसरा भी वैसे ही होगा, क्या होगा सर इसका आंसर, फिर 11 + 8 = 19, और फिर क्या करना होता है सर, इसमें 21 भी ऐड कर दो, पिछला जो है रिजल्ट है वो एडिशन इक्वल टू के बाद में जो नंबर है उसको ऐड करना है, 90 + 21, इसका आंसर क्या आएगा सर, जो बहुत आसान है, 40 इज फाइनल आंसर सर, बात खत्म। और 40 ऑप्शन होता है, कोई भी एग्जाम देंगे सर, कहीं भी कोई बताओ 40 उधर होगा ही। तो ऐसे इतने सिंपल सवाल सर हमको मत बताया करो। हम सॉरी बच्चों, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गलत है ये जवाब सर, आपसे कोई गलती हुई है, ये गलत हो ही नहीं सकता, नहीं ये गलत है, मेरी बात सुनो, गलत है। क्यों गलत है मैं ये बता देता हूँ, फिर से एक बार देखते हैं, 1 + 4 फिर 2 + 5, उसमें आपने पिछला ऐड कर दिया 1 वाला, 1 2 3, अगर 1 2 3 से शुरू हो रहा है तो उसके बाद क्या चाहिए, 4 चाहिए, 4 5 6 7, और उसके बाद 8 चाहिए, और बीच का जो है इसके बाद के जो नंबर हैं 3 और 8 के बीच में, वो स्किप किए उन्होंने, आपको डायरेक्टली 8 वाला बताया। अगर आप इस तरीके से जाते हो तो आपको 7 तक जाना होगा, 7 तक उन्होंने दिया रहता, बराबर कि नहीं, तो हर चीज़ 7 तक आपको हर एक नंबर के लिए 1 से लेकर 8 तक वो ट्रू होना चाहिए, तो ये 40 आंसर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इसके पिछला जो है वो 7 वाला है, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको इनडायरेक्टली कैसे लिखना होगा उसको, अगर आप इसी तरीके से अगर करते हो, 1 + 4 = 5, 2 + 5 कितना हो जाएगा, उन्होंने 12 दिया है, जो दिया है वो लिख लेता हूँ, 3 + 6 दिया है 21, तो आपके हिसाब से मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे, उसके बाद 4 आएगा भाई, 4 5 6 के बाद क्या आएगा, 7, तो आप क्या बोलते हो, ये दोनों को ऐड करके पिछला ऐड करना है, 7 + 4 = 11, 11 + 21 कितना आता है बताओ फटाफट, 11 + 21 तो ये आएगा 32, उसके बाद क्या आता है 5, और यहाँ पे आएगा 8, 8 + 5 = 13, 13 + 32 = 45, उसके बाद आएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना आएगा 9, सीरियली जाना है 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 6, 6 + 9 = 15, 15 + 45 60, क्योंकि पिछला हम ऐड कर रहे हैं हर बार बराबर, और यहाँ पे कितना आएगा 7, और यहाँ पे 10 बराबर, ये हो गया 17, 17 और 60 कितना हो गया 77, अब जाके आएगा 8, और यहाँ पे 11 आने का है, 11 + 8 = 19,
और 19 प्लस 77 ये बन जाएगा 96, जो कि आपका सही आंसर होगा। क्या बता रहे हो सर, तो क्या इतना करते बैठेंगे हम? बिल्कुल नहीं, 96 ऐसे नहीं लाना है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था, ये बीच का उन्होंने स्किप किया है। आपको एक कॉमन सेंस है यहाँ पर, अगर पहले सीरियल ही जा रहा है ना, तो 8 तक का आपको सीरियल ही होगा, वो बीच का स्किप किया है उन्होंने, बराबर। तो डायरेक्टली कैसे लाएंगे सर, ये मेथड तो बहुत लंबा हो गया। तो यहाँ पे और एक पिछला वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसके साथ ही कैसे किया है वो देखेंगे। अगर मैं ऐसे सोचता हूँ कि भाई 1 + 4 = 5, वो तो छोड़ो, अगर 2 + 5 = 12 कैसे आता है, पिछला वाला आगे वाला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। 2 + 5 = 12 कैसे आता है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 × 5 = 10, बराबर। यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 × 5, और फिर से इसमें 2 ऐड करेंगे तो भी 12 बन जाता है ना, बराबर। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और प्लस 2, कौन सा, पहला नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन और पहला नंबर उसमें ऐड करो, मतलब 10 और 2, और ये इसमें ट्रू होता है क्या, तीनों में होना चाहिए बराबर, तभी तो इसको कर सकते हैं, ठीक। ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना होता है, 4 × 1 = 4, और पहला नंबर ऐड करो 5, अच्छा हो जा रहा है सर। ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, 6 × 3 = 18, और पहला नंबर 3, 18 + 3 = 21, ऐसे भी हो रहा है, मतलब तीनों को हो रहा है, तो इसको भी कर सकते हैं आग बंद करके, ठीक है। करो फिर ये मल्टीप्लिकेशन, 88 और पहला नंबर प्लस, 88 + 8 = 96। ऐसे कोई ऐसे भी सोचेगा, कैसे, इसको बढ़ा दो भाई, दूसरे नंबर को 1 से बढ़ा दो, यहाँ 4 नहीं है, उसको कितना कितना हो जाएगा 5, फिर मल्टीप्लाई करो, 1 से बढ़ा के मल्टीप्लाई करो, तो 4 के जगह पे 5 करो और इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 = 5, इसको बढ़ाओ 1 से 6 × 2, इसको बढ़ाओ 1 से 7, 7 × 3, इसको बढ़ाओ 1 से 12, 12 × 8 = 96, ऐसे ही हो जाता है। तो इस तरह से आपको सोचना है यहाँ पे। तो किया क्या है, पहले 1 + 4 के लिए आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना है, इसमें +1 करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर यहाँ पे लिखना है और ये नंबर बढ़ा के यहाँ पे लिखना है, बराबर। फिर 2 + 5 के लिए सेम, आपको ये नंबर यहाँ पे लिखना है और 5 + 1 करके इनटू करना है, बराबर। फिर 3 + 6 के लिए सेम, ये नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, इनटू करना है, 6 + 1 करना है, यहाँ पे 7। अगर ये तीनों में अगर ये ट्रू हो जाता है, तो ऑफकोर्स इसको आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, सेम कर सकते हैं। क्या करना होता है, ये नंबर, पहला नंबर यहाँ पे इनटू करना है, दूसरा नंबर में +1 करना है और यहाँ पे लिख देना है, जो कि 96 आंसर आपका, आँख बंद के लिख सकते हो, देखा। तो मैं ये प्रॉब्लम क्यों लिया हूँ, क्योंकि वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए आपके पास कभी भी, तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए बराबर, अंडर कॉन्फिडेंस मतलब कम कॉन्फिडेंस भी बुरी बात है, और ओवर भी कम, आपको बैलेंस में रहना है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में आना चाहिए था, हाँ यहाँ पे अगर 4 होता ना, यहाँ पे 4 और यहाँ पे मतलब नेक्स्ट सीरीज में क्या आता है 4, नेक्स्ट वाला नंबर होता तो वो ठीक था, लेकिन बीच में गैप है इसलिए 40 नहीं आएगा। तो बहुत बच्चे यहाँ पे 40 बोला था उन्होंने जब मैंने दिखाया था, तो इसलिए मैंने सोचा ये आपको करके दिखाऊं। तो इस तरीके से कोई भी अगला नंबर फाइंड करने का इसी सीरीज़ वाले इस क्वेश्चन को ध्यान देके करना, क्योंकि सिंपल तो होते हैं लेकिन गलती से मिस्टेक हो जाता है, क्लियर।